गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा असीं तुहाडे सिलेबस विच एक निजी पत्र एक है दफ्तरी पत्र। निजी पत्र असीं कर चुके हां, सेकंड है दफ्तरी पत्र। दफ्तरी पत्र च आंदे केड़े केड़े पहला सुनो, अखबार दे संपादक नू, नगर निगम नू, लिख लो अखबार दे संपादक नू, नगर निगम नू, दफ्तरी पत्र च केड़े केड़े पत्र आंदे है। नेक्स्ट है स्कूल दे प्रिंसिपल नू, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ संपादक नू पत्र दा फॉर्मेट। सब तो पहला बेटा राइट साइड ते प्रीख्या भवन, बेटा दिखाई दे स्पेलिंग पूछे से उन्हें। राइट साइड ते प्रीख्या भवन, कोमा हां जी डैश डैश केंद्र। केंद्र का मीनिंग है जिस सेंटर दे विच बैठ के असि एग्जाम दे रहे हैं आप कहना केंद्र, केंद्र का नाम लिखना। ठीक है हाँ अखबार के संपादक नूं पत्र दस लगे अगे। डैश डैश शहर, जिस शहर दे विच पेपर हुंदा है सब तो पहला बेटा वो एड्रेस लिखी दा तुहाडा अपना जिहड़ा भेज रहा पत्र। ठीक है एग्जाम दी दृष्टि तो असीं अपना पता नहीं लिखते। ठीक है कदे भी जो इम्तिहान हुंदे एग्जाम दी दृष्टि तो अपना पता ना लिखे उहदी थां ते लिखदे आ प्रीख्या भवन एग्जामीनेशन हॉल। सेंटर मतलब केंद्र, जिस केंद्र दे विच बह के जिस सेंटर दे बह के असीं एग्जाम दे रहे हां ते जिस शहर दे विच है। ठीक है शहर दा नेम नहीं मेंशन करना। नेक्स्ट है मिती, सिटी एग्जाम हो रहे जिथे बैठ के पेपर दे रहे हो। सपोज करो जलंधर बैठ के दे रहे हो रपर जलंधर, लिखी था ही नहीं। ठीक है मतलब समझाया मतलब कि इथे एड्रेस अपना लिखी दा जेड़ा भेज रहे। ठीक है इथे जेड़ा एड्रेस ओदा लिखे जेड़ा भेज रहे। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर, नंबरिंग च नहीं लिखना पंजाबी लिखना है, कोमा 2021 पूरा लिखना है, फुल स्टॉप पूरा लिखना है। नहीं नेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन ते जिथे मिति खत्म हुई है सेवा विखे नेक्स्ट लाइन ते भेज दिन असीं भेजना है ओदा पता। ठीक है कोई भी पत्र आए सपोज करो तुहानूं कई वार नहीं आंदा ये याद रखना 10th विच भी सब तो पहला जिहड़ा दफ्तरी पत्र आए उपर अपना पता जिहदे च आपां प्रीख्या भवन। नेक्स्ट आपां लिखदे आ जिन्हों असी पत्र लिखना है जिन्हों असी भेज रहे हैं। ठीक है ओदा पता लिखदे आ सब तो पहला सेवा विखे हमेशा लिखी दा जिहड़ा मर्जी पत्र आए। ठीक है दफ्तरी सेवा विखे तो बाद कोमा नहीं आना, नहीं नहीं नेक्स्ट लाइन ते लेफ्ट साइड ते सेवा विखे तो बाद अखबार दे संपादक नूं आपां एडिटर कहने आ संपादक साहब। ठीक है बेटा एक मिनट मेरी, उस तो बाद असीं अधिकारी दा लिखीदा है जिस अधिकारी नूं पत्र लिख रहे हां। अखबार दा केड़ा अधिकारी हुंदा है मेन संपादक एडिटर। ठीक है संपादक साहब कोमा। ठीक है आपां 8th तक अखबार का नाम लिखते सी आपां लिखदे आ डैश डैश अखबार, पर 9th ते 10th दे विच आपां अखबार का नाम भी लिखना है ते सिटी का नाम लिखना है। ठीक है पिछों बोर्ड वाले ही है। ठीक है कोई भी हाँ अगली लाइन। नेक्स्ट है अजीत अखबार जिथे सेवा भी खत्म होया।
पंजाबी अखबार का नाम, चाहे पंजाब कैसे लिख दो। नेक्स्ट है अजीत अखबार, ठीक है, जड़ी पंजाबी छपदी है, पंजाब कैसे भी लिख सकते हैं। फिर अजीत न्यूज़ पेपर कितने छपदी है, जलंधर, जलंधर शहर, इत शहर का नाम नहीं लिखना, ठीक है, पूरे विराम चिन्ह। मिति आप लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन ते विशा, निजी पत्र विशा नहीं लिखना, दफ्तरी पत्र कोई भी आ जाए जिहड़ा आप सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी अधिकारी लिखना, ओहदे विच विशा आंदा, बस यही याद रखना। निजी पत्र कदे भी विशा नहीं लिखना, दफ्तरी पत्र कोई भी आ जाए, कोई भी पत्र आ जाए दफ्तरी, उस विशा लिखना, चाहे स्कूल के प्रिंसीपल नू आ जाए, ठीक है, बैंक मैनेजर नू आ जाए, या पुलिस चौकी दे विच आ जाए, अखबार के संपादक, कोई भी पत्र आ जाए उस आप विशा लिखना ही लिखना, ठीक है, क्लीयर है। नाल नाल बाकी ध्यान सुनो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, जो ही नहीं सेम आई पत्र आए। नेक्स्ट है विशा, जिथे सेवा विखे लिखे, ठीक है, उसे विशा, विशा वर्ड दे विच कदे भी लास्ट भी पत्र नहीं लिखी दा, जिवें अखबार दे सभा नूं महंगाई समस्या बारे पत्र, एंड ते पत्र नहीं लिखना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना, जिवें महंगाई की समस्या बारे, प्रदूषण की समस्या बारे, कोरोना की समस्या बारे, पत्र वर्ड नहीं लिखना, नहीं, ठीक है, विशा सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे जो सब्जेक्ट होएगा, लास्ट ही पत्र वर्ड नहीं लिखना, अगर पत्र वर्ड लिख दो हाफ मार्क्स उत्थे ही कटे रहना, ये ध्यान रखना। जिवें प्रदूषण की समस्या बारे, महंगाई की समस्या बारे, ठीक है, वध रही आवाजाई की समस्या बारे, लुट खूह की समस्या बारे, क्लीयर है सर। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन श्रीमान जी, लिखो अगे, स्नीमर बेनती है कि मैं तुहाडे रोजाना अजीत अखबार का, हुण जो अखबार का नेम तुसी उपर मैनशन किया ओही अखबार का नेम तुसी फर्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। जे ते पंजाब केसरी लिखा तो पंजाब केसरी, जे तुसी अजीत लिखा तो अजीत, ठीक है, जलंधर केसरी। सनीमर बेनती है कि मैं तुहाडे, नहीं, सनीमर बेनती है कि मैं तुहाडे रोजाना, मतलब कि डेली जो न्यूज़ पर आता है, रोजाना मतलब डेली, ठीक है, हाँ जी, अजीत अखबार का पाठक, हाँ, पाठक का मीनिंग है कुछ लाइन ही छोड़नी, नहीं नहीं रोजाना अजीत अखबार का पाठक आ, ठीक है, तुहाडी अखबार, ठीक है, तुहाडी अखबार हमेशा ही, तुहाडी अखबार हमेशा ही सच्चाई दे लई लड़दी आई है, हाँ, या तुहाडी अखबार दे हमेशा सच्चाई छपदी है, या तुहाडी अखबार हमेशा ही सच्चाई दे लई, तुहाडी अखबार हमेशा ही सच्चाई दे लई, हाँ, सच्चाई दे लई आवाज चकदी है, नहीं, तुहाडी अखबार लड़दी आ रही है, अगे लिखो बेटा। फिर जेड़ा भी पत्र आएगा ओहदे बारे तुसी 4-5 लाइन ज्यादा लिखिया, जेड़ा भी पत्र आए, महंगाई दा आवे, दूसरा आवे कोरोना वाला आवे, या मिलावट वाला आवे, या आवाजाही दी समस्या आवे, ठीक है, वध रही दुर्घटना बारे, सच्चाई दे लई लड़दी आई है,
फिर लास्ट ही लिखो, लास्ट लास्ट पैरा पैरा बना के। मेनू उम्मीद है कि, ठीक है, लाइना लिखन तो बाद, ठीक है, फोर हमेशा ही लड़ती आई है। फिर बेटा मेनू उम्मीद है कि नेक्स्ट पैरा चेंज करके, ठीक है, हाँ मेनू उम्मीद है कि पूरी लाइन लिखो। मेनू उम्मीद है कि, हाँ सेंटर पैरा बनाना, नेक्स्ट पैरा चेंज, पैरा चेंज कर देना, नहीं नहीं पैरा चेंज, हाँ हाँ। मेनू उम्मीद है कि तुसी मेरे विचारां नू अपनी अखबार दे भी जरूर छापोगे। पूरी जिथे खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन दे सेंटर तो ही बस, यानी कि पता चल जावे पैरा चेंज है। विचारां नू अपनी अखबार विच जरूर छापोगे, ठीक है। मैनू उम्मीद है कि तुसी मेरे विचारां नू लिख देने, लिख देने, तुसी मेरे विचारां नू अपनी अखबार विच जरूर छापोगे। ते फिर नेक्स्ट लाइन ते सेंटर दे विच, नेक्स्ट लाइन सेंटर दे विच धन्नवाद। हाँ, लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, मैनू उम्मीद है कि तुसी मेरे विचारां नू छापोगे ते लोगों नू इस प्रति जागरूक करोगे, ठीक है, ठीक है, ते लोगों नू इस प्रति जागरूक करोगे या इस समस्या प्रति जागरूक करोगे जेड़ी भी समस्या आई होगी, ठीक है। लास्ट भी धन्नवाद सेंटर दे विच पूरन विराम चिन्ह। ते कई बार बुक दे भी धन्नवाद सहित पाया हुंदा है, जे तुसी धन्नवाद सहित लिखना ते कोमा पाना है, ठीक है, ये धन्नवाद लिखना है पूरा विराम चिन्ह, यह ध्यान रखना। जे जे कला धन्नवाद है तो पूर्ण विराम चिन्ह, कई बार बुक दे धन्नवाद सहित लिखा होता है, और बाद आप हामी नहीं गेटे, और बाद फिर आप कोमा पाने, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं बेटा नेक्स्ट लाइन से सेंटर दे विच, फिर बेटा लास्ट दे विच राइट साइड ते आप जी का विश्वास पात्र, कोमा आप जी का विश्वास पात्र, कोमा डैश डैश नाम, कोमा डैश डैश पता, पूरे विराम चिन्ह। अपना नेम मेंशन नहीं करना, ठीक है, चाहे फॉर्मेट आए चाहे पूरा पत्र आए, डैश डैश नाम ते डैश डैश पता, पूरे विराम चिन्ह। हाँ, नाम तो बार कोमा, पते तो बार पूरे विराम चिन्ह। हाँ, एनू बेटा आप रूपरेखा कहने, वो हिंदी च कहते, ठीक है, एनू बेटा एग्जाम ही जूही तुम फॉर्मेट भी आ सकता है, ठीक है, फॉर्मेट नू पंजाबी च रूपरेखा कहने, ठीक है, क्लियर है। ए सी अखबार दे संपादक नू पत्र दा फॉर्मेट, कोई भी लैटर आए अखबार दे संपादक नू इस फॉर्मेट नू ध्यान रखते तुसी पत्र लिख सकते हो। ते कंटेंट दे विच फोर या फाइव लाइन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करीदा, ठीक है, वैसे अखबार दे संपादक नू पत्र काफी एक्सप्लेन हो जाता है, पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, क्लियर है। पत्र दे नेम लिखो, ए अखबार दे संपादक केड़े केड़े पत्र है, अखबार दे संपादक नू पहला अखबार दे लिखवा दो ना, अखबार दे संपादक नू वध रही आवाजाई दी समस्या बारे पत्र, अखबार दे संपादक नू चाहे फिर नोटबुक दी बैक ते लिख लेना, ठीक है, अखबार दे संपादक नू वध रही आवाजाई दी समस्या बारे पत्र, नेम नोट कर ले, आवाजाई सेकंड पत्र लिखो, आवाजाई अखबार दे संपादक नू आवाजाई दी समस्या वध रही आवाजाई जां आवाजाई दी समस्या बारे पत्र, हां जी। नेक्स्ट है बारे पत्र, आवाज स्पेलिंग दिनिया
सेकंड है अखबार के संपादक नूं महंगाई की समस्या बारे पत्र, अखबार के संपादक नूं वध रही महंगाई की समस्या बारे। हाँ जी थर्ड है डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है अखबार के संपादक नूं मिलावट की समस्या बारे। दो नहीं है किन्नी है महंगाई की समस्या बारे। थर्ड लिखो मिलावट, थर्ड लिखो मिलावट, मिलावट की समस्या बारे। फोर्थ अखबार के संपादक नूं लुट्टां कोआं दी वाधा बारे लिखो। लुट खोआ अखबार के संपादक नूं लुट खोआ या लुट्टा खोआ दिया लुट कसूट जिन्हों आप कहने बेटा लुट कसूट भी आ सकता है लुट्टा खोआ भी आ सकता है। ठीक है जिवें चोरी डकैती उन्हें बारे लिखना है। ए बेटा चोरी बारे डकैती बारे लिखना है। ठीक है नेक्स्ट लिखो बच्चे चुके जान दिया वारदातां बारे। हाँ बच्चे चुके जान दिया वारदातां बारे किडनैपिंग। ठीक है लिख लो मैम बच्चे चुके जान दिया वारदातां बारे। नौजवाना भी नशिया की समस्या बारे, नशिया की समस्या बारे। नशिया की समस्या बारे नेक्स्ट लिखो अखबार के संपादक नूं बिजली या पानी की समस्या बारे। बिजली या पानी की समस्या बारे लो नेम बिजली ते पानी दी। नेक्स्ट है अखबार दे संपादक नू हड़ ते सोके की समस्या बारे दसियां। बाढ़ फ्लड फ्लड ड्रॉट एंड फ्लड फ्लड ड्रॉट। ठीक है जिवें जिस साल बारिश ना होवे राजस्थान वर्गे एरिए च आपां लिखांगे सोका पै जांदा जिस साल बारिश हुंदी हड़ आंदे ठीक है बाढ़ आंदी फ्लड आंदी बहुत ज्यादा बारिश करके काफी नुकसान हो जांदा लोकां दा। मतलब इहदे लैटर च आएगा भी लोकां नूं मदद करन लई अपील कहनी है वी हैल्प करो जिहड़े जिहड़े शहर दे विच जिस इलाके विच हड़ आया। ठीक है जिस इलाके विच बाढ़ आई है हड़ आया फ्लड आया उहनां लोकां नूं अपील करनी है सरकार नूं गवर्नमेंट नूं ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਂ 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 ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ। ठीक है हो हाँ नहीं ए दफ हाँ 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 अखबार दे संपादक नू पहला हाड़ दी समस्या बारे। ठीक है
हर दी समस्या संबंधी पत्र लिखो ते लोकां नूं मदद लई अपील करो। निम्र बेनती है कि मैं तुहाडे रोजाना अजीत अखबार का पाठक हाँ, मैं तुहानूं इस पत्र राही हर दी समस्या बारे पत्र लिखना चाहुंदा हाँ। ठीक है, पिछले दिन ही या दो चार दिन पहला जां पिछले हफ्ते ही गुजरात दे विच जां किसी भी शहर दे विच, ठीक है, बहुत ज्यादा की है हर बारिश आन दे करके लिख लो, बारिश आन दे करके कोई भी नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बारिश आन कारण या लगातार मीह पैन कारण हड़ आ गया है जिस कारण काफी लोगों का नुकसान होया है, फसलां बर्बाद हो गई हैं, लोकां दे घर मेन नुकसान उन्हां नूं हुंदा फसलां नूं, लोकां दे घर टह गए हैं, लोकां दे घर टह गए हैं, हां लोकां कोलों खाण दे लई रोटी नहीं है, लोग भुखे मर रहे हैं, ना तो उन्होंने रहने लई छत है, ना तो खाने लई रोटी, तो लिख सकते हो ना तो लोगों को रहने लई छत है ना तो खाने लई रोटी है। बहुत सारिया हड़ तो बाद बहुत सारिया बीमारियां फैलन का भी खतरा बन गया है। हाँ, हड़ तो बाद बहुत सारिया बीमारियां फैलन का खतरा भी बन गया है, इसलिए मैं जनता नूं ते आम लोगों नूं अपील करना चाहता हाँ कि लोग हड़ तो अपील करना चाहता हाँ, हाँ कि आम लोग ते सरकार हड़ पीड़ित लोगों की हड़ पीड़ित लोगों की मदद लई अगे आन, हड़ पीड़ित लोगों लई मदद लई अगे आन, इन्हां लोगों की मदद वो किसे तरीके भी कर सकते हैं, रोटी पानी दे के पैसे दे के ता जो लोग फिर तो अपने घर बना सकन, अते अपनियां जरूरतां पूरियां कर सकन। मैनू उम्मीद है कि तुसी मेरे विचारां नूं अपनी अखबार विच जरूर छापोगे। इसी तरह सोके वाली आ जावे, सोके का मतलब है बारिश बिल्कुल ना पैना, राजस्थान में लिखांगे आपां, ठीक है, राजस्थान वर्गे इलाके दे विच, ठीक है, पिछले साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई जिस करके फसलां सुक गईयां हन, बिल्कुल भी अनाज नहीं है खाण लई, ठीक है, लोकी पानी दे लई तरस रहे हन, लोकां नूं अपील कीती जांदी कि इन्हां लोकां दी मदद करन, ठीक है, तां जो इह लोक जिहड़े की है फिर तो उन्हां नूं अपने फसलां पैदा कर सकन, ठीक है, ते पानी दी लोड़ नूं पूरा कर सकन। नौजवानां विच वध रहे नशे दी समस्या बारे, ठीक है, इहदे च की लिखोगे बेटा, अजकल जिहड़ी कि नशियां दी समस्या पंजाब दे विच बहुत ज्यादा वध गई है, नौजवान जिन्हों की उम्र सिर्फ 17-18 साल ही है वो कई तरह के नशे करन लग पे हैं, जिवें नशे दियां गोलियां कैप्सूल टीके शराब आदि। कुछ नौजवान जिहड़ा कि होस्टल भी जाके पढ़ते हैं जिस करके उन्होंने सिर उत्ते माता पिता का कोई साया नहीं हुंदा, ठीक है, या उन्होंने निगरानी लई माता पिता नहीं होंगे, या वह माड़ी सोसाइटी दे विच पै गए, ठीक है, नशे कर लग जाते हैं, वह अपना तो भविष्य खराब करते ही करते हैं,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਫੀਆ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ?